हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अपडेट के बारे में जो कि कोल इंडिया की तरफ से आई है। ये अपडेट 19 जून को आई थी और इस अपडेट के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये अपडेट क्या है? ये अपडेट है रिगार्डिंग एमपी 2019 एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2019 के रिगार्डिंग। ये एक अपडेट है। इस अपडेट में क्या कहा गया है, अगर आप कोल इंडिया का नोटिफिकेशन देखेंगे, इस एडवर्टीजमेंट का नोटिफिकेशन अगर देखेंगे, तो उसमें एक बात कही गई थी कि इस वैकेंसी के लिए, यानी जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो वैकेंसी थी, उसके लिए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो अभी फाइनल ईयर में अपियर होने वाले हैं, वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनको जो अपना रिजल्ट है, वो फाइनल रिजल्ट सबमिट करना था 31 जुलाई तक उनके पास फाइनल रिजल्ट होना चाहिए, तभी वो इलिजिबल होते हैं, वरना उनका कैंडिडेचर जो है वो क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अभी ये जो अपडेट आई है, जैसा आप सभी को मालूम है, अभी कोविड-19 चल रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, सब जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो एकेडमिक कैलेंडर हैं वो एक तरह से सब डिरेल हो गए हैं, सब टाइम पे नहीं है। तो इसके कारण कुछ स्टूडेंट्स ने रिप्रेजेंटेशन दी थी कोल इंडिया को कि ऐसा ऐसा है कि हम फाइनल रिजल्ट इस डेट तक शायद सबमिट ना कर पाए। तो इसके रिगार्डिंग कोल इंडिया ने कहा है कि अगर जैसे जो लोग सीबीटी में अपियर हो गए हैं, अब वो क्या होंगे, अब वो शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, और जब वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे तो उनका इंटरव्यू होगा। तो अगर उससे पहले या उस इंटरव्यू वाले दिन अगर वो अपना फाइनल रिजल्ट सबमिट कर देते हैं, तो उनका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। यानी उस डेट तक, अब इस डेट को कोल इंडिया ने एक तरह से बढ़ा दिया है। तो ये तो ठीक है कि ये एक अपडेट है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, या रिजल्ट जब आएगा तो उससे उसका इंटरव्यू कब तक होगा। इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि रिजल्ट और इंटरव्यू कब तक होगा। बहुत लोग पूछते रहते हैं कमेंट में कि कोल इंडिया का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। तो इससे हम इसका एक आइडिया लगा सकते हैं। आइडिया ये लगा सकते हैं कि जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती है, यानी कोविड-19 के कारण जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी, तभी क्या होगा, ये सभी यूनिवर्सिटी काम करने लगेंगी, तभी ये सब यूनिवर्सिटीज रिजल्ट दे पाएंगी। आपको जो चाहिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट या जो भी चीज चाहिए, वो ये तभी दे पाएंगी जब तक सब चीज नॉर्मल हो जाएंगी। तो इसका ये मतलब, कोल इंडिया ने ये डेट दे दी है, और कोविड-19 के कारण ये तो नहीं है कि आपका वो एक तरह से आपको कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दे। तो इसलिए क्या होगा कि जब तक ये सब चीज नॉर्मल नहीं हो जाती है, तब तक कोल इंडिया के इंटरव्यू नहीं होंगे। इसका ये एकदम क्लियर है कि जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती है, सब चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती हैं, तो कोल इंडिया के इंटरव्यू नहीं होंगे। आप पूछ सकते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट भले ही आ जाए, मतलब नॉर्मल होने तक रिजल्ट कभी भी आ जाए, लेकिन इंटरव्यू आपके तब तक नहीं होंगे जब तक की चीजें एकदम सब चीज नॉर्मल नहीं हो जाती है, सब चीजें लाइन में नहीं आ जाती है। और अभी तो आपको जैसे पता है कि 12 अगस्त तक एकदम रेलवे की जो ट्रेनें सब बंद है, तो तब तक तो आप सोच ही नहीं सकते हैं कि कुछ चीज नॉर्मल होगी। यानी अगर मान लिया किसी को वो इंटरव्यू के लिए बुला भी ले, तो बहुत सारों की प्रॉब्लम हो सकती है, वो जाएंगे कैसे। तो ये सब चीजें हैं, जब तक नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक आपके इंटरव्यू नहीं होंगे, ये आपके आप मान के चल सकते हैं। क्योंकि ये सब जो इंटरव्यू होते हैं, ये सब बड़ी सिटीज में होते हैं, जैसे 3-4 जगह ही होते हैं, जैसे नागपुर में हो गया, कोलकाता में हो गया, और दिल्ली में हो गया। और यहाँ लोगों को जाना है अपने घर से, तो जाने के लिए सिचुएशन का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इससे आप ये पता लगा सकते हैं। थैंक यू। अगर इससे अगर आप कुछ और जानना है तो आप कमेंट में जान सकते हैं। थैंक यू।